आउज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके घर वालों को, माँ बाप को, बहन भाइयों को, आपके रिश्तेदारों को, सबको अपने जुमान में रखे, और आपको तुफैल मेरे अबू को, मेरे बहन भाइयों को, भाभीियों को, मेरे सब रिश्तेदारों को अपने जुमान में रखे, आमीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये सवाल मैंने आपसे पहले भी किया है। अभी बारिश हो रही है, आज 9 अक्टूबर है, अक्टूबर की पहली बारिश हो रही है। इस टाइम दोपहर के टाइम बड़ा अच्छा मौसम है। तो जनाब, आप लोग ने कभी चीते से सौदा मंगवाया? मैं मंगवाती हूँ ग्रोसरी, इनसे अच्छी है डिलीवरी भी, और सामान भी सारा अच्छा होता है, फ्रेश होता है, वेजिटेबल्स फ्रेश होती हैं, चिकन भी फ्रेश होता है, अच्छा सामान आता है, नीट एंड क्लीन। तो आप भी इनसे ज़रूर ग्रोसरी करके देखिएगा, अच्छी जो है, मतलब कि जो चीज़ अवेलेबल होती है वो सारा आपको पता चल जाता है इनकी उसमें, ऐप में। तो बाकी यह है कि हर चीज़ जो है फुली पैक्ड और बहुत नाइस तरीके से और अच्छी आती है, तो आप ज़रूर करके देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम बनाने लगे हैं, मैं आपको बताऊंगी क्विक डिनर रेसिपी जो बहुत जल्दी बन जाएगी, कोई आ जाता तो आप फ़ौरन बना सकते हैं। ये मैंने लिए हैं ऑयल लिया था, उसमें मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज जो है वो चॉप करके डाले हैं, उनको लाइट गोल्डन होने पे मैंने इसमें 3 टमाटर डाले हैं चॉप करके। इनको हम बस मसाला बनाएंगे अच्छी तरह से, ताकि ये टमाटर जो हैं वो नरम हो जाएं और अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि फिर फर्दर क्या करना है। इस वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है प्लीज़, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आप देख सकते हैं कि जो है ये पानी ड्राई हो गया और ऑयल आ गया है, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाला ताकि मसाले नीचे ना लगे। इन मसालों में मैंने नमक, मिर्च और हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी, इसमें ज़्यादा मसाले मैं ऐड नहीं करती। अच्छी तरह जब इसमें मसाला भून जाएगा तो उसमें हम दही ऐड करेंगे, दही ताकि थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए। ज़्यादा नहीं मैं डालूंगी, थोड़ी डालूंगी ताकि ना थोड़ी सी ऐसी ग्रेवी बन जाती है दही के साथ। तो इस अब इसको हम भूनेंगे अच्छी तरह से, ये दही जो है, दही भी अच्छी तरह ताकि इसमें मिक्स हो जाए। और मेरी इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करते करें, तो आपका आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो को पता चल सके। ये KNN के कोफ्ते मैंने मंगवाए थे, और ये कोफ्ते अब मैं जो है फ्राई कर रही हूँ उसमें डालने से पहले। कोफ्ते जो है वो मैंने फ्राई ज़्यादा भी नहीं किए, ये चिकन स्टॉक थोड़ा सा ये मैंने उसमें ऐड किया, और उसको जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बॉयल आएगा, देखें अच्छी सी ग्रेवी बन गई है, बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होगी ये, और बिल्कुल शोरबा भी नहीं होगा पतला, अच्छी ये ग्रेवी बन जाएगी आपकी। कोफ्ते हम फ्राई करेंगे, और फ्राई करके हम कोफ्ते इसमें सालन में डाल देंगे। सालन में डालने के बाद हम इनको 2 से 4 मिनट के लिए दम लगाएंगे, ऊपर हरा धनिया छिड़क के, तो हमारे कोफ्ते रेडी हो जाएंगे। अगर कोई एकदम से आ जाता है और रात को, और बहुत 10 मिनट में तैयार होने वाली रेसिपी है, मैजिकल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे ज़रूर कॉमेंट्स में बताइएगा प्लीज़। पीछे बच्चों के शोर की भी आपको आवाज़ आ रही होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।